Hello dear students, welcome in online teaching. We are learning class 7th subject math. Today we are going to start exercise 6.1 of chapter 6, the triangles and its properties. ठीक है, देखते हैं exercise 6.2. See question number 1 देखते हैं. Find the value of unknown exterior angle x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स. यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स कुछ डायग्राम्स गिवन है, उनमें क्या है जो एक्स है, एक्स यानी जो एक्सटेरियर एंगल है वो हमें फाइंड आउट करना है. सी फर्स्ट डायग्राम देखो, उसमें देखो 50 डिग्री और 70 डिग्री दो एंगल्स गिवन है और आपको जो एक्सटेरियर एंगल है इस ट्राइंगल का वो आपको निकालना है. ठीक है, तो देखो आपने प्रॉपर्टी सीखी है जो एक्सटीरियर एंगल रहता है वो एंगल जो ट्रायंगल के एंगल से ऑपोजिट वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, जो ऑपोजिट एंगल्स है एक्सटीरियर ऑपोजिट वो उनके एडिशन में यानी उन दोनों के एडिशन करके जो एक्सटीरियर एंगल है उसकी मेजरमेंट और उनकी मेजरमेंट इक्वल रहती है. ये प्रॉपर्टी हमने सीखी है. सिंपली क्या देखो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू एक्स यानी एक्सटेरियर एंगल. ये प्रॉपर्टी हमने सीखी है. ठीक है, तो यही हम यहां पे यूज करेंगे. अब देखो 70 डिग्री प्लस 50 डिग्री क्या आएगा, 120 डिग्री. ये आ गई वैल्यू एक्स की. एक्स की वैल्यू क्या आ गई 120 डिग्री. अब यहां पे भी वैसे ही एक्स इज इक्वल टू दो एंगल दोनों एंगल के एडिशन 65 डिग्री प्लस 45 डिग्री. अब देखो एक्स क्या होगा 65 और 45 क्या आएगा 110 डिग्री. नाउ नेक्स्ट इज थर्ड वाला देखो, यहां पे क्या होगा x इज इक्वल टू 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री. ठीक है, कर लो दोनों के एडिशन 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री दैट इज 70 डिग्री. ओके, अब देखो फिगर नंबर 4, यहां एक्स की वैल्यू क्या होगी एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री. क्या होगा एक्स एडिशन कर लो 120 डिग्री. ठीक है, अब देखते हैं आगे का फिगर नंबर 5th फिगर है वो हम देखते हैं. एक्स क्या होगा एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री प्लस 50 डिग्री दोनों के एडिशन करनी है सिंपली. सो एक्स इज इक्वल टू 50 प्लस 50 दैट इज 100 डिग्री. ठीक है, नाउ डायग्राम नंबर 6, इसमें देखो एक्स की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री. सो एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, तो 90 डिग्री होने की वजह से ये जो ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ओके, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल और वहां का जो जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा. यानी क्या होगा, हम यहां ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इंटीरियर एंगल एक्स इन द फॉलोइंग फिगर. अब देखो हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने एक्सटीरियर एंगल निकाला था, अब क्या करना है एक्सटीरियर एंगल दिया है
और आपको जो इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है, उनमें से एक गिवन है और एक की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। देखो फिगर नंबर वन में देखते हैं, आपको फॉर्मूला पता है क्या कि सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ये आपको पता है। कर लेते हैं दोनों की सम 50 डिग्री प्लस एक्स, एक्स निकालना है इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल कितना है 115 डिग्री। अब देखो ये जो 50 है एक्स निकालना है, तो एक्स हियर एक्स बी द वेरिएबल, एक्स वेरिएबल कंसीडर करो और उसके साइड का जो है उसके पास का वो आरएचएस में पुट कर दो, ठीक है, ट्रांसफर कर दो। 50 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू 115 डिग्री माइनस 50 डिग्री। तो देखो इस तरह से आपको अब क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों की सब्ट्रैक्शन निकालनी है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन क्या होगा, सब्ट्रैक्शन आएगा 65 डिग्री। सो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स की वैल्यू आई 65 डिग्री। अब सेकंड फिगर में देखते हैं, वैसे ही करो, जो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है उन दोनों की एडिशन इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। सो 70 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 100। एक्स निकालने के लिए 70 राइट हैंड साइड में माइनस कर दो, सो 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, सो एक्स क्या आएगा, 100 में से 70 गए 30 डिग्री आ गया एक्स। अब देखो फिगर नंबर थ्री, फिगर नंबर थ्री में देखते हैं, वैसे ही अब फिगर ऑब्जर्व करो, आपको एक्स गिवन एक्स निकालना है और ये जो एंगल है ये क्या डिनोट करता है, ये राइट एंगल डिनोट करता है, यानी 90 डिग्री है, यानी ये राइट एंगल ट्रायंगल है। सो 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 125। 125 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का। सो एक्स निकालना है, 90 माइनस कर दो राइट हैंड साइड में, 125 डिग्री माइनस 90 डिग्री, ठीक है। अब एक्स क्या आएगा, कर लो दोनों की सब्ट्रैक्शन, दोनों की सब्ट्रैक्शन अगर हमने की तो आंसर आएगा 35 डिग्री, ठीक है। इस तरह से एक्स हमने फाइंड आउट कर लिया है, ओके। अब फोर्थ वाले फिगर देखते हैं, कर लो x प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री। x निकालना है, प्लस 60 है माइनस कर दो, 120 डिग्री माइनस 60 डिग्री, सो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, ओके। अब देखते हैं फिफ्थ वाला, फिफ्थ वाला फिगर देखते हैं, कर लो फॉर्मूले के हिसाब से 30 डिग्री प्लस एक्स, ये दोनों क्या है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स है, इज इक्वल टू 80। 80 क्या है, एक्सटीरियर एंगल। सो एक्स निकालना है, 30 प्लस है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करने के बाद माइनस हो जाएंगे, सो 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री, सो एक्स क्या आएगा, x इज इक्वल टू 50 डिग्री, ओके। नाउ फिगर नंबर सिक्स, वैसे ही एडिशन करनी है, x प्लस 35 डिग्री,
ये दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल्स है और 75 ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। x इज इक्वल टू क्या होगा, 75 डिग्री माइनस 35 डिग्री, ओके। सो x इज इक्वल टू 40 डिग्री, x क्या आएगा 40 डिग्री आएगा, ओके स्टूडेंट। इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। बाकी का जो पोर्शन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, ओके। थैंक यू।